फ्रूट्स का काम कर सकते हैं उसके अंदर, ये वाला रिस्क है। चीज़ ऐसी हो जिसकी लॉन्ग लाइफ हो स्टार्टिंग में, न्यूबीज के लिए बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि वेजिटेबल्स या जो फ्रूट्स हैं इस तरह की चीज़ें सेल नहीं करनी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये पैरिशेबल ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में रिस्क कम से कम लो, समझ आ गया। तो अच्छी लाइफ वाली प्रोडक्ट हो, एक्सपायरी डेट उसकी टू अर्ली ना हो, दो चार दिन में, एक वीक में, दो वीक में एक्सपायर हो जाए, ऐसी चीज़ नहीं कहनी, समझ आ गया। तो यस लिख दें नेक्स्ट। लॉन्ग लाइफ वाली प्रोडक्ट हो यार, जो कुछ अर्सा रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अवॉइड सेलिंग फ्रजाइल प्रोडक्ट्स। फ्रजाइल प्रोडक्ट्स क्या होती है? ग्लास आइटम्स, सबसे सीधी सीधी ग्लास ब्रेकेबल, ठीक है। आप यहाँ से मग सेल हो रहा है, कोई ग्लास सेल हो रहा है, कोई चीज़ से क्रॉकरी की सेल हो रही है, वो पहुँचने से पहले रस्ते में पूरी हो गई हो, क्योंकि शिपिंग कंपनीज हैं, शिपिंग कंपनी में हालांकि आप ऊपर मेंशन करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है फ्रजाइल है, तो उसको तरीके के साथ एहतियात के साथ लेके जाएं, तो उसकी पैकेजिंग भी फिर आपको अच्छी ज़्यादा करनी पड़ेगी। डिलीवर आप नए हो तो नई चीज़ें टेस्ट करनी है, अभी काम स्टार्ट करना है, तो ईजी टू डिलीवर प्रोडक्ट्स हों जो ईजिली शिप कर सको। छोटा सा पार्सल पैक किया, कंपनी को बोला उठा के ले गए। अब आप पहली अटैम्प्ट के अंदर फ्रिज, एसी, फर्नीचर आइटम्स, बड़ी बड़ी आइटम सेल करना स्टार्ट करोगे तो उसे प्रोडक्ट ऐसा ना हो कि आप एक बाज़ार के अंदर एंटर हों, बाज़ार के अंदर एंटर हों और वहाँ पे जो है ना वो हर दूसरी शॉप के ऊपर वो चीज़ पड़ी हो, ईज़िली एक्सेसिबल हो। अगर ईज़िली एक्सेसिबल है तो फिर आपकी वो प्रोडक्ट आपकी वो सेल नहीं होगी। ऑनलाइन वो चीज़ ज़्यादा अच्छी सेल होती है जो ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है, यूनिक है और लोग उसको देखते साथ ही उसकी तरफ मतलब मतवजह हों और उसको सेल, उसको परचेज करने के लिए सोचे। हम सर्च करेंगे ना, और आपका ये इतना तो इंसान का माइंड है ना, पता लग जाता है हमें चीज़ों का कि कौन सी चीज किस तरह की है। ऑनलाइन प्रोडक्ट लेंगे तो क्वालिटी कैसे पता चलेगा? गुड क्वेश्चन। हम एक एक पीस खुद में वहां के देख लेंगे ड्रॉप शिपिंग के केस में, सही हो गया। प्रेजेंटेशन यूनिक में कर दो, यूनिक प्रोडक्ट लेके आ जाओ, मतलब बहुत कॉमन प्रोडक्ट हम लोग नहीं लेके चलते, इसका मतलब ये है। बैग्स हैं तो बैग्स तो हैंड बैग्स तो होती ही हैं, लेकिन अब उसके अंदर कोई यूनिक अच्छा डिजाइन हो सकता है, वो यूनिक हो जाएगा बस, ठीक है। अच्छा जी, तो ये वो बेसिस हैं जिनके ऊपर आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। अब मुझे बताओ कुछ प्रोडक्ट्स का नाम लो और इसके ऊपर जो है ना हैंड उसके ऊपर आ रहे हैं, अब उसके ऊपर ही आ रहे हैं। एक प्रोडक्ट बोलो, ज्वेलरी आपने बोला, टॉवल बोला, मेकअप बोला, किचन आइटम्स बोला, आगे बेबी गारमेंट्स बोला, अच्छा वॉचेस, शूज, जैकेट्स, ऑयल। अब ये जो चीज़ें बोल रहे हो ना, इनके ऊपर ये पॉइंट्स अप्लाई कर दो। ज्वेलरी सब कुछ सेल हो सकता है, इनके ऊपर पॉइंट्स की अप्लाई कर दो। अब जिन्होंने क्लॉथ की बात की है, लेडी वो जो बेबी गारमेंट्स की बात की है आपने, तो बेबी गारमेंट्स या हुडीज की कोई बात कर रहा है, तो हुडीज इस गर्मियों में क्या करोगे? सीजनल हो जाएगी ना, किस किस्म की हुडी कर रहे हैं? उसके बाद बेबी गारमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो बेबी गारमेंट्स भी सीजनल होते हैं, जो एक सीजन में चल रहे हैं दूसरे सीजन में चलेंगे। जैकेट्स भी एवरग्रीन नहीं है, जैकेट्स आपकी विंटर में चलेंगी, समर में नहीं चलेंगी। बेबी टॉयज एवरग्रीन है,
वॉइल कवर्स हो सकता है, ऑटो पार्ट्स बिल्कुल एवरग्रीन है, कभी भी गाड़ी को सर्दी गर्मी कभी भी खराब हो सकती है। शूज़ साइज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम साइज़ का है शूज़ में। 5 से 6 साइज होते हैं, किसी ने ऊपर लिखा था कि साइज़ जो है वो शूज़ का जो है ना वो कहते हैं कि हमारा सेट खराब होता है, आपको लेने पड़ेंगे सारे साइज, वो शूज़ के केस में सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा अब देखो सुनो, आगे हम चलते हैं, मैं आपको 2-3 प्रोडक्ट बता देता हूँ। हैंडबैग्स मैंने स्टार्ट किया था इस बेस के ऊपर, क्यों? हैंडबैग में साइज होता है। अब देखो हैंडबैग है, उसकी एग्जांपल ले लो, हैंडबैग स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक नीश, हैंडबैग एक नीश हो गई, एवरग्रीन प्रोडक्ट। हैंडबैग पूरे साल के अंदर, विंटर में समर में हैंडबैग चेंज हो रहे होते हैं, एक ही रहते हैं ना, तो एवरग्रीन है ना हैंडबैग। उसके बाद द प्रोडक्ट शुडंट हैव टू मेनी वेरियंट्स। क्या वेरियंट है? कलर। हैंडबैग्स में कलर का सिर्फ एक वे ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आपने इसी से रिलेट करना है, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो वेरिएशन, मेन वेरिएशन क्या है हैंडबैग की? साइज की कोई वेरिएशन नहीं होती। हैंडबैग की मेन वेरिएशन क्या है कि उसमें कलर होंगे, बस एक वेरिएशन है मेन, ऐसी है। उसके बाद द प्रोडक्ट शुड हैव अ गुड लाइफ स्पैन। तो हैंडबैग की लेदर है, उसकी लाइफ अच्छी होगी, तो 2, 4, 5, 6 माह में वो खत्म होने वाला नहीं है, वो खराब होने वाला नहीं है, ऐसी। उसके बाद अवॉइड सेलिंग फ्रजाइल है, टूट सकता है हैंडबैग, फ्रजाइल भी नहीं है। तो द प्रोडक्ट शुड बी इजी टू डिलीवर, इजीली डिलीवर हो सकता है, हाँ जी पार्सल में पैक करो डिलीवर करवा दो। प्रोडक्ट क्वालिटी शुड बी गुड, क्वालिटी उसकी अच्छी, वो तो हमने खुद देखनी है जब सेल करेंगे, सेल करने से पहले। और ट्राई सेलिंग यूनिक प्रोडक्ट डिजाइन, तो हैंडबैग वो देखो जो जरा यूनिक से उनका डिजाइन लग रहा हो, अच्छे लग रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो, उनको अपनी वेबसाइट पे ला के सेल करने की ट्राई करो, ये काम है। अच्छा अब इतना लिखी जा रहे अब यहाँ पे रुक जाओ, और मैंने जो एग्जांपल दी है समझ आई कैसे मैंने उसको सारे पॉइंट्स के ऊपर देखा है, ऐसे ही आपने हर पॉइंट पे देखा, क्लियर जी? चार्जर हैंड फ्री बिल्कुल ऐसे है, वो एवरग्रीन है, क्लियर? चलो अब यहाँ से उसके बाद सिर्फ ये देख लो कि शिपमेंट और पेमेंट्स हम लोगों ने कैसे हैंडल करना है। तो पाकिस्तान के अंदर शिपमेंट के लिए देखो, पेमेंट पाकिस्तान के अंदर होती है कैश ऑन डिलीवरी, तो आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आपका पार्सल पकड़े, आपका पार्सल जाके लोगों के डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर करे, उनसे पैसे ले आपके बिहाफ पे और आपको पैसे ला के दे, ठीक है? अगर आप लाहौर मतलब अगर अपनी अपनी सिटी के अंदर कर रहे हो, तो शायद आप अपना राइडर भी अरेंज कर लो कि आपका राइडर खुद जाके डिलीवर करके आए। लेकिन अगर पूरा पाकिस्तान कवर करना चाहते हो, तो आप इतना बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते कि हर शहर के अंदर आपका अपना राइडर हो, तो आपको कोई ना कोई सर्विस यूज करनी पड़ेगी। तो कोरियर सर्विसेज जिस तरह TCS है, लेपर्ड है, ब्लू एक्सिक है, टोटल ड्रॉप शिपिंग पे काम करते हैं वो, उसके बाद DHL है, जनरल पोस्ट ऑफिस भी कर रहा है काम, जो आपके भी पे डिलीवरीज देगा और आपको पैसे कलेक्ट करके देगा, सिर्फ ट्रैकिंग का इशू उसके अंदर है, अभी तक वो भी रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। तो ये सारे मॉड्स हैं जिनको यूज़ करके आप प्रोडक्ट को डिलीवर करवा सकते हैं। इनके की COD अकाउंट्स ओपन होते हैं इनके साथ, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट। पोस्ट ऑफिस जो है ना, उनकी सर्विस है VP, वैल्यूड पार्सल मेरे ख्याल वो है जो जिसको भी डिलीवर करते हैं और आपको पैसे ला के देंगे। तो ये वो सर्विसेज हैं जिनके थ्रू आप इनके साथ COD अकाउंट, कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये आपको एक पोर्टल देंगे, उसको मैनेज कैसे करना है मैं दिखाऊंगा भी पोर्टल आपको, और ये आपके बिहाफ पे आपकी चीज़ पिक करेंगे, डिलीवर करेंगे, पैसे कलेक्ट करेंगे, अपनी फीस रखेंगे, बाकी पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करेंगे, जो अकाउंट बनाते हुए आपने इनको अकाउंट नंबर दिया होगा। इनकी टर्न होती है 14 डेज की, 7 डेज की, उसके ऊपर ये एक्सप्लेन तो होना है। मैं आपको वो पोर्टल भी दिखाऊंगा जिसके अंदर अपनी प्रोडक्ट जब कोई शिप होती है या सेंड करते हैं तो कैसे उसको ऐड करना है, वो हर चीज आपको बताऊंगा, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर सारा लिखा हुआ है, मैं तो सिर्फ आपको पढ़ के बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट आपके साथ मैंने शेयर भी कर दिया है। पहले से अकाउंट होता हम उसको देख लेंगे किस स्टोर पर आपने करवाया हुआ। तो BlueX, TCS, Leopard, DHL, GPO डिफरेंट सर्विसेज हैं, ये सारे के सारे जो है ना आपको डिलीवरी देते हैं। देखिए 9 डेज को बता रहा, 14 डेज को बता रहा, हर एक की अपनी पॉलिसी है वो जो अमाउंट क्लियर करते हैं, ये आपके बिहाफ पे आपका पार्सल डिलीवर करेंगे, कैश कलेक्ट करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे।
ओके हो गया। और उसके बाद फिर और ये वेट वाइज चार्ज करते हैं आपको हाफ के जी के जी ज्यादा इनका एक वेट वाइज चार्ज होता है। और उसके बाद इंटरनेशनल जो है उसमें आपका जो डिलीवरीज हैं वो TCS, Leopard, BlueX, DHL, GPO ये सारे काम कर रहे हैं उसके अंदर, इनके थ्रू आप कर सकते हैं डिलीवरीज। रेट लिस्ट आपको उनकी लेनी पड़ेगी अलग अलग, तो US में करना है तो US में डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेज हैं, तो स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और अक्सर ऐसा हुआ करेगा कि प्रोडक्ट की प्राइस से ज़्यादा, प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज़्यादा शिपिंग की कॉस्ट हुआ करेगी, लेकिन हमने टोटल सेल प्राइस के अंदर इंक्लूड की होगी। पेमेंट जो बाहर कलेक्ट होती हैं, पेमेंट बाहर जो कलेक्ट हो रही हैं वो हो रही हैं, पहले पेमेंट की जाती है, वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। आपने यहाँ से कनाडा में ऑर्डर ऑर्डर भेजना है तो कनाडा में जाके कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा कि कैश डिलीवरी पे भी देना है आपने, पेमेंट आपको पहले मिलेगी, वहाँ पे ट्रस्ट है। पाकिस्तान में ट्रस्ट नहीं है, उसको आपको फैक्टर पता है, यहाँ पे तो लोग पैसे घर पे देते हुए घबरा रहे होते हैं कि अंदर से क्या निकलेगा पार्सल में से, तो बाहर ट्रस्ट है, इस वजह से वहाँ पे वो लोग कार्ड्स के थ्रू पेपाल के थ्रू पेमेंट्स कर रहे होते हैं। जी TCS इंटरनेशनल डिलीवरीज करता है, तो डिलीवरीज के लिए यही सारे मॉड्स। और पैसे आपको पहले ही आ चुके होंगे, अब वो पैसे पहले कैसे कलेक्ट करने हैं, तो जी नहीं पेनवीर वगैरह का यूज़ नहीं होगा, अभी तक इनका पेमेंट गेट में नहीं है। हमें एक ऐसा पेमेंट प्रोसेसर चाहिए जो, क्योंकि जब पेमेंट इंटरनेशनली होती है ना तो हमारी वेबसाइट पे कोई अगर आता है ना तो हमारी वेबसाइट पे आके वो अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल और साथ कार्ड का नंबर या पेपॉल ऐड करेगा। चलो लेट्स सपोज कार्ड का नंबर ऐड करेगा, कार्ड का नंबर, कार्ड का CVV कोड, ये सब कुछ ऐड करके चेकआउट करेगा, ठीक है। तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए ना जो हमारी वेबसाइट के ऊपर वो कार्ड की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करे, फिर उनका उन जो कस्टमर जब कार्ड एंटर करेगा तो उसके कार्ड से पैसे निकाले और वो प्रोसेस करके हमारे तक लेके आए। तो उसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी, एक सोर्स चाहिए होता है जिसको हम पेमेंट गेटवे कहते हैं, पेमेंट प्रोसेसर कहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर अभी तक जो फुली अवेलेबल है, जो आप यूज़ कर सकते हो, वो है 2CO, टू चेकआउट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये आपके कार्ड की पेमेंट्स को कलेक्ट करेगा, और अगर बाहर कोई आपको पेपल से पे करना चाहता है तो पेपल की पेमेंट्स को भी कलेक्ट करेगा। और इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो सब कुछ हम लोग जब वेबसाइट बनाएंगे उसके अंदर देखेंगे। रिटर्न के भी चार्जेस होते हैं, हमें देने पड़ेंगे, तो कोई भी बिजनेस रिटर्न्स के बगैर नहीं चलता, रिटर्न्स तो होती होती जी। सब बताऊंगा, अभी ये तो हो गया सारा राउंड में, अब ये सारी चीजें होगी। इंटरनेशनल में क्योंकि पेमेंट पहले आती है तो टू चेकआउट यूज करेंगे, पेमेंट प्रोसेसर है ये जो हमारे बिहाफ पे कस्टमर्स की पेमेंट को कलेक्ट करके उनके कार्ड से निकाल के हमारे तक लेके आएगा। और पाकिस्तान में मसला ही नहीं है क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है, तो जो कंपनी जिसके साथ भी काम करेंगे जो डिलीवर करने जाएगी प्रोडक्ट वही पैसे लेके आएगी। ठीक हो गया, बिजनेस उनका कोई ना कोई सेटअप होगा ना, कोई ना कोई सिस्टम होगा। अब हमारे पास तो एज अ न्यूबी है, हम तो इतना नहीं कर सकते ना। टू चेक आउट असल में देखो, जब आपने कस्टमर से पहले पेमेंट लेनी है, आपने पता नहीं कभी इंटरनेशनल कभी शॉपिंग की है, कभी आपने कहीं पे जाके कुछ बाय की नहीं की, वहाँ पे कार्ड एंटर करना पड़ता है आपको कुछ चीज़ परचेज करने से पहले। कार्ड का आपका पूरा नंबर, CVV कोड बैक साइड पे जो 3 डिजिट्स का होता है, वो एक्सपायरी डेट, ये सारा ऐड करना पड़ता है। तो वो जो ऐड कर रहे होते हैं, वो जो ऑप्शंस आती हैं आपके पास, हमारी वेबसाइट पे वो ऑप्शंस कहाँ से आएंगी, हम वो सारा डाटा कैसे कस्टमर का लेंगे। और जब वो डाटा कलेक्ट ऐड होता है तो उसके बाद होता क्या है कि वो एक असल में प्रोसेसर लगाया होता है उन्होंने, पेमेंट का प्रोसेसर लगाया होता है जिसमें कस्टमर अपना डाटा ऐड कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो प्रोसेसर क्या करता है, उनके कार्ड से पैसे निकालता है, उसको प्रोसेस करता है, इंटरनेशनल पेमेंट है, और फिर हमारे तक लेके आता है, फिर हम उसे अपने बैंक में आगे विड्रॉ करवाते हैं। तो हमें वो पेमेंट प्रोसेसर चाहिए, वो हमारे पास हम खुद नहीं कर सकते, ये अपनी फीस चार्ज करते हैं, ये पर ट्रांजेक्शन आपको चार्ज करेगा। तो ये मैंने अभी करके दिखाना है आपको, तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि इस तरह से एक पेमेंट प्रोसेसर होता है जिसके थ्रू पेमेंट्स हम ले रहे होते हैं। इसके कोई ना कोई ये टू चेकआउट पाकिस्तान में चलता है इसलिए लिखा है, स्ट्राइप है, उसके अलावा authorized.net है, बहुत सारे और पेमेंट प्रोसेसर हैं जो फीस लेते हैं और आपके बिहाफ पे कस्टमर के कार्ड से पैसे निकाल के आपके पास लेके आते हैं। ये सिक्योर सर्विसेज हैं, ये प्रॉपर एक वेल नॉन रजिस्टर्ड सर्विसेज हैं, तो ये स्कैम नहीं करते।
वो तो फिर और तरह के बंदे हैं जो कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक सब क्लियर? या पूरा का पूरा आपके पास रोड मैप आ गया। स्कैमिंग तो जी हो रही है, बस उसके अगेंस्ट भी काम हो रहा है, फिर भी हो रही है। तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर भी हो गया है। अब इसमें पूरा रोड मैप लिखा हुआ है कि स्टार्ट कहाँ से होना है, रेंट कहाँ पे होना है, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है इन डेप्थ तरह से हमने देख लिया। और ये लिंक मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया हुआ है। ओके हो गया। अब सबसे पहला पॉइंट जो है, जो हम लोगों ने, मैंने आपको परसों बताया था कि सबसे पहली चीज़ है प्रोडक्ट। जहाँ तक सबको सब क्लियर है, यस लिख दो, नहीं है तो नो लिख दो, और फिर मैं प्रोडक्ट के ऊपर काम करने लगा। बेहतरीन हो गया। अच्छा, सबसे पहला जो है प्रोडक्ट फाइंड करना। प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जी। इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करें, जो मर्जी करें, ये मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप में पढ़ा आपके साथ। अच्छा, तो प्रोडक्ट सबसे पहला इतना मैंने आज दोबारा रिपीट किया है वेंडर को। वेंडर ये होता है किसी होलसेलर से, किसी इम्पोर्टर से सिर्फ और सिर्फ पैसे फाइनलाइज कर लेते हैं कि वो प्रोडक्ट हमें कितने की देगा होलसेल प्राइस पे, और फिर हम उसको सेल करते हैं तो अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करके। पर जब सेल होगी तब हम वेंडर्स के पास जाएंगे, उससे प्रोडक्ट लेंगे, पार्सल करेंगे और शिप कर देंगे। तो पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। समझ आ गई? पहला पेमेंट गेटवे अभी आगे जाके मजीद क्लियर होगा। इंटरनेशनली जब आप ई कॉमर्स करते हो तो वहाँ कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है वहाँ पे, पहले पेमेंट आपको मिलती है। तो लोग अपने कार्ड्स के थ्रू पे कर रहे हैं। अब हमारी वेबसाइट पे किसी के कार्ड से पेमेंट कैसे कलेक्ट करेंगे? हमारी वेबसाइट खुद से नहीं कर सकती। वेबसाइट के साथ हमें एक एक पेमेंट प्रोसेसर लगाना पड़ेगा जो कस्टमर के कार्ड्स को वहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन देगा कि यहाँ पे आओ, कार्ड के एंटर करो, फिर उनके कार्ड से पेमेंट निकालेगा, उसको प्रोसेस करेगा और हमें पहुँचाएगा, और फिर हम उसको निकाल लेंगे अपने पास, विड्रॉ करेंगे। तो वो जो पेमेंट प्रोसेसर है ना, जो हमारे यहाँ पे कस्टमर के कार्ड को से पेमेंट कलेक्ट करके हम तक लेके आ रहा है, उसको कहते हैं पेमेंट गेटवे। क्लियर? चलो, अब पहला पार्ट प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग, मतलब अच्छी प्रोडक्ट को हंट करना, जी शिकार करके निकाल के लाना है जी हमें अच्छी अच्छी प्रोडक्ट को, सबसे पहला काम ये है। उसके बाद आपने बाकी चीजें सोची। अब जब प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग करते हो तो दो सिनेरियोज होते हैं आपके सामने। और सबसे मेन चीज प्रोडक्ट है, इसलिए ये बड़ा केयरफुली देखना है आपने। जितना टाइम इस पे लगा लेंगे उतना ही अच्छा, जितना टाइम भी लगा लोगे, जितना अच्छी रिसर्च करोगे, जितनी अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट लेके आओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मैं मैनुअल भी बताऊंगा जी और टूल्स के थ्रू भी बताऊंगा। अल्लाह देता है, वो स्टार्ट में हमसे पैसे ले रहा होगा, हम पैसे दे के प्रोडक्ट लिया करेंगे, वो तो ट्रस्ट बाद में बिल्ड होगा ना, फिर हम उससे क्रेडिट पे जाएंगे। तो उसको क्या है, हमने तो पैसे देने और चीज लेनी है, बस इकट्ठी नहीं उठानी पड़ेगी, एक एक करके लेनी पड़ेगी। ठीक है? अच्छा जी, तो प्रोडक्ट रिसर्च मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अच्छी प्रोडक्ट निकालने कैसे? अब दो सिनेरियोज होते हैं जब आप प्रोडक्ट फाइंड करने जाते हो। एक ये होता है आपके माइंड में ये चीज़ होती है कि यार मैंने क्या सेल करना है, आपने सोचा होता है कि यार मुझे ये वाली कैटेगरी, ये नीच में सेल करना है या ये कैटेगरी में जाना है, आपके माइंड में होता है। और एक सिनेरियो ये होता है कि आपको कुछ पता नहीं होता, जो आप में से दूसरे सिनेरियो वाले लोग ज़्यादा होंगे कि कुछ पता नहीं क्या सेल करना है, बस ठीक है सर आप बता दें, इस तरह कहेंगे, आप बता दें क्या सेल करें, क्या चीज़ें डिमांड है, इस तरह की बातें मुझे बोलेंगे। तो सेकंड पॉइंट वाले लोग ज़्यादा हैं, जिनको ये नहीं पता क्या सेल करें, तो वो फिर नीच भी रिसर्च करते हैं कि क्या सेल करें, और उस हिसाब से फाइंड करते हैं कि जो अच्छा मिला हम फिर उसमें देखेंगे, उसमें सेल करेंगे। और एक वो लोग होते हैं जो डिसाइड कर लेते हैं यार कि ये कैटेगरी बेस्ट है, मुझे इसी के अंदर जाना है, तो फिर वो उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को फाइंड कर रहे होते हैं।
ठीक है, तो मैं जो पॉइंट नंबर टू वाले हैं ना, उनको नहीं पता क्या सेल करना है, वहाँ से स्टार्ट लेते हैं हम लोग, ये भी आइडेंटिफाई करेंगे क्या किस किस्म की चीज़ें निकल रही हैं, और फिर हम उसमें जाएंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, तो मैनुअली पहले मैं रिसर्च करना आपको बताऊंगा, डिफरेंट मेथड्स हैं उसके, क्योंकि मैनुअल आता होगा तो टूल्स तो कोई चीज़ें नहीं है अगर आप लोगों के लिए। सेकेंड कैटेगरी कन्फ्यूज वाले भी हैं ना, इनको पता ही नहीं क्या करना है। ठीक हो गया, चलें अब देखो, सबसे पहला मैं आपको बताने लगा हूँ यूजिंग फेसबुक, कि फेसबुक को यूज करते हुए हम लोग प्रोडक्ट नीश, ये नहीं पता कि क्या करना है वो भी देखना है और उसे आगे चलना है। तो सबसे पहले हम फेसबुक के थ्रू जाते हैं, फेसबुक पे देखते हैं कि क्या हमने करना है। तो फेसबुक की जी दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं उस एंगल से जान लगाऊँ कि आपको नहीं पता कि किस नीश के अंदर आपने जाना है। जी बिस्मिल्लाह, किस नीश में जाना है, क्या चीज़ सेल करना चाह रहे हो, वो कुछ नहीं पता। तो सबसे स्टार्टिंग लेवल बेसिक रिसर्च यूजिंग फेसबुक, फिर मैं इंस्टाग्राम के थ्रू भी बताऊंगा, फिर मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के थ्रू भी बताऊंगा। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, फिर मैं टूल भी लेके आऊंगा बीच में जो सारा मसला ही हल कर देगा। अच्छा जी, आप आते हो यहाँ पे, ये जो ऊपर फेसबुक सर्च बार बनी हुई है इसमें आते हो, और इसमें आके अभी आपको नहीं पता कि क्या सेल करना है, यहाँ पे आप आके लिखते हो 50% ऑफ, सपोज सिर्फ ये लिखा है 50% ऑफ, क्योंकि आजकल चल रहा है न्यू ईयर, डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं जो चीज़ों को मतलब सेल कर रहे होते हैं ड्रॉप शिपिंग वाले, वो ज्यादा ड्रॉप शिपिंग वाले भी दूसरे भी वो ज्यादातर ना कुछ परसेंटेज ऑफ पे चल रहे होते हैं, या बाय नाउ का वर्ड लगा के देख लें, 25% ऑफ लगा के देख लें, इस तरह से डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम लगा, क्योंकि अभी भी नहीं पता हमने क्या सेल करना है, हम देखना चाह रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल स्क्रैच से बेसिक लेवल से हम लोग रिसर्च करने लगे 50% ऑफ लें जी, मैंने लिखा 50% ऑफ सिंपल फेसबुक रिसर्च में जाके, ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं जब आया तो यहाँ मेरे पास देखो कुछ की वीडियोस आ रही हैं, पोस्ट भी आ रही हैं, हर चीज़ मिक्स आ रही है, ये देखो अगर यहाँ पे, और साथ रिलेटेड टर्म्स भी आ रही हैं कि 50% ऑफ फ्री शिपिंग, 50% ऑफ प्रोडक्ट, 50% ऑफ सेल, 50% ऑफ टुडे, ये भी बड़ा अच्छा कीवर्ड है, 50% ऑफ, उसके बाद इस तरह से ये मल्टीपल आपके पास आ। अच्छा जी, अब 50% ऑफ नसीब, अभी तो प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट हो रही है, यहीं से पकड़ लो, पीछे वाला हो जाएगा क्लियर, बताता हूँ मैं इसका सोल्यूशन। तो 50% ऑफ मैंने लिखा यहाँ पे, मेरे पास मल्टीपल यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं, यहाँ पे पेजेस भी आ रहे हैं, जितनी चीज़ें लिखी हुई है ना ये सब इकट्ठी आ रही है, क्योंकि ऑल सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ वीडियोज में स्ट्रेट अवे, क्योंकि वीडियोज आपको पता है सबसे ज़्यादा कन्वर्ट होती हैं, तो वीडियोज में देखना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हों जो 50% ऑफ के साथ सेल हो रही हैं, कौन कौन सी वीडियोज़ हैं, मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया हो। तो मैं वीडियोस की तरफ सेक्शन पर ले आ गया, मैं इमेजेस में भी जा सकता हूँ, मैं पेजेस में भी जा सकता हूँ, हर जगह पे जा सकता हूँ। तब मैं आया वीडियोस में, और वीडियोस में आके मैंने देखा कि ये आपके पास एक वीडियो आ रही है, जो कोई प्रोडक्ट बनी हुई है, स्पा की है, सेप्टेम्बर 2 पर पोस्ट हुई है, ये 19 में हुई है, पुरानी आ रही है। मैं थोड़ा सा लेटेस्ट की तरफ आता हूँ कि रीसेंट जो डाटा है मेरे पास वो नज़र आए। तो वीडियोस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे डेट पोस्टेड दिस मंथ, इस मंथ के अंदर जो यहाँ पे वीडियोस पोस्ट हुई हैं मैं वो देखना चाह रहा हूँ। लें जी, पहले नंबर पे दिसंबर 17, ये सर आज से कितने दिन पहले, आज 23 हो गई है, 5-6 दिन पहले की पोस्ट है, 54K व्यूज हैं, 54,000 व्यूज। मुझे यहाँ पे आके यही देखना है कि मैंने एक टर्म लगाई 50% ऑफ की, कौन 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 लोग हैं जो 50% ऑफ के साथ चीज़ें सेल कर रहे हैं। मैं स्ट्रेट वीडियो सेक्शन में आया कि सबसे पहले वीडियोस देखूँ कि वीडियोस लोगों ने की होंगी, क्योंकि वीडियो एंगेज भी ज़्यादा होती हैं, और मैं देखूँ कि कौन सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो रिसेंटली पोस्ट हुई हैं फेसबुक पे, लेकिन उनके ऊपर व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर ट्रैफिक या लोग बहुत ज़्यादा आए हैं, मुझे वो पता चले।
मैं वो देखूँ, फिर मैं उनको आगे फर्दर देखूँ कि यार वो चीज़ कोई है, प्रोडक्ट कोई है या वैसी कोई वीडियो है, क्या है, क्योंकि तो मेरा कीवर्ड सेल वाला है तो प्रोडक्ट ही आएंगी। तो वही मैंने काम किया, मैंने 50% ऑफ लिखा, वीडियोस पे क्लिक किया, दिस मंथ की वीडियो पे यहाँ पे क्लिक करके दिस मंथ सेलेक्ट किया तो इस मंथ की सारी वीडियोज आ रही हैं। दिसंबर 2 ये कोई बीसी किस दिन पहले की है, 90K व्यूज, 17 कोई 54K व्यूज, ये 8 दिसंबर को ही है 168, ये दिसंबर 8 को 469, बड़े बेहतरीन आ रहे हैं। आजकल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि क्योंकि रिसेंट है, मतलब न्यू ईयर चल रहा है और ये जो टाइम है ना ये सेल्स वाला है, इस पर काफ़ी ज़्यादा सेल्स वगैरह चल रही होती है। तो यहाँ पे देखो जी, बहुत बेहतरीन किस्म की यार यहाँ पे आ रही है चीज़। सपोज के ये देखो दिसंबर 14 1.1 मिलियन व्यूज सिर्फ आज से कोई 9 दिन पहले की, 8-9 दिन पहले की वीडियो। मैं कहता हूँ लेट्स सी यार, ये देखे तो सही क्या है, इसको मैं करता हूँ ओपन, मैं सबको देखूंगा। ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो सबसे ज्यादा था मैंने देखा। अच्छा जी, ये वीडियो लगी हुई है, ये कुछ सफाई वगैरह करने के लिए है। ये चीज क्या है, ये है 3-पीस ड्रिल ब्रश अटैचमेंट सेट। अच्छा, स्क्रबिंग इन हैंड एंड गेटिंग पुअर रिजल्ट्स, 3-पीस ड्रिल ब्रश है जो क्लीनिंग के लिए जी, ये प्रोडक्ट है ठीक है। और ये वीडियो आपके सामने, इंप्रेशन आपने पहली व्यूज देखी 1.1 मिलियन हुए पड़े हैं, फिर देखें 3.2K लाइक्स हैं इस पे, 275 इस पे कमेंट्स हैं, 1.1 मिलियन व्यूज हैं। कितने दिनों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 8-9 दिन हुए। सुफियान, मेरा फोकस आपके लिए होगा, लोकल तो अपनी जगह पे, मेरा फोकस आपके लिए जो सबसे ज्यादा होगा ना वो होगा ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। और आप में से मैं अगर अभी बगैर ये के भी पूछता ना तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये कहना था कि ड्रॉप शिपिंग करनी है, क्यों, सबसे ज्यादा मतलब वो ऐसा मॉडल है जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वॉल्व ना होने के बराबर और ईज के साथ किया जा सकता है, क्योंकि आपने कोई पार्सल का मैनेज नहीं करना, कोई शिपमेंट मैनेज नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, समझ आ रही। तो मेरा जो एंगल होगा, आप कोई भी प्रोडक्ट इस मेथड से रिसर्च कर सकते हैं, मेरे पास वहाँ जाके ये भी ऑप्शन होगा कि मैं पाकिस्तान को सिर्फ वहाँ के प्रोडक्ट्स को फाइंड करूँ, तो फिर मैं वो देख लूँगा। लेकिन मैं ज़्यादा, मुझे पता है कि कहाँ इंटरेस्ट होगा और कहाँ पे पैसे कम लगेंगे, कहाँ आप जाना चाहते हो, इस वजह से इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये प्रोडक्ट है 14 दिसंबर को पोस्ट हुई है, सिर्फ और सिर्फ जी लोकल भी शिपमेंट आपकी ड्रॉप हर जगह पॉसिबल है, सिर्फ लोकल में पैसे बांध में, ठीक हो गया। हुसैन, प्रोडक्ट तो ले लें यार, सेल वाली बातें तो ऐसे ऐसे सब रोड में वो दिखा दी है, मैंने सब करवाना है ऐसे, सब कुछ होगा। अच्छा जी, तो वापस आ रहा हूँ इनके पास को गौर से देख लो, क्योंकि कुछ लोग बड़ा अटेंटिवली देख ले होंगे कि ये कैसे पता लगना है कि क्या चीज लेके जाएंगे। जी जी हुसैन, आपके पास है अपने जो जैसे साथ आपके फेलोज हैं यार, उनके लिए थोड़ा सा बस वेट, इंशाल्लाह वो भी होगा। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ 7 डेज 8 डेज के अंदर, 9 डेज के अंदर आप देख लें कि यहाँ पे क्या कुछ, कितना इंट्रैक्शन है, कितने ज़्यादा लोगों ने इसको देखा है और ये प्रोडक्ट भी आपके सामने नज़र आ रही है। ये इसका पेज है, मज़े की बात। आपको क्या लगता है कि ये जो इतने ज्यादा इसके ऊपर एंगेजमेंट आई है, खुद ही आ गई? ऑफ सीजन है फिर भी यही करना है, परसेंटेज ऑफ चल ही रही होती है, परसेंटेज बगैर बिकती नहीं चीजें। अच्छा, ये जो इतने ज्यादा इंप्रेशन आए, वो क्या लगता है कि ये खुद ही आए हैं, ऑर्गेनिक होंगे? 7-8 दिन के अंदर इतनी ज्यादा दुनिया इसके ऊपर आ गई है, 1.1 मिलियन व्यूज आ गए, थोड़ा सा ट्रिकी होके देखना है। नहीं, ये फेक नहीं है, फेक होते तो इतने कमेंट्स ना होते, फेक होते तो इतने लाइक्स ना होते, फेक वाले तो व्यूज हो जाते ना, सिर्फ व्यूज हो जाते, लेकिन बाकी चीजें फिर नहीं होनी थी। तो यहाँ पे मुझे जो फील आ रही है ना, यहाँ पे एड चला हुआ है, ये 7-8 दिन 9 दिन के ऊपर किसी ने इसको पोस्ट करके इसके ऊपर फेसबुक एड चलाया। SEO से इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आते, ये ऐड चला हुआ है कुछ ना कुछ इसके ऊपर, या तो फेक है या ऐड है, ये चीज़ माइंड में आ रही है ना आप दोनों की? चलो मैं फेक वाला बात भी बीच में कह देता हूँ,
अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पेज को ओपन करता हूँ, इस पेज को मैंने न्यू टैब के अंदर ओपन किया है, ये देखो ये पेज है, इस पेज की प्रोडक्ट थी, यही पहली प्रोडक्ट पिंड पोस्ट लगाई हुई है उसने, और ये सारी पोस्ट है जो मैं देख रहा हूँ। अब ये देखो 49 पीपल लाइक दिस, 65 पीपल फॉलो दिस, इस पेज के टोटल लाइक्स हैं 49, टोटल फॉलोअर्स हैं 65, और ये पोस्ट क्या बता रही है, टोटल पेज के लाइक्स 49 है और फॉलो किया हुआ 65 ने, और इस पोस्ट के ऊपर जो है वो 1.1 मिलियन व्यूज आ गए। मैं नीचे आता हूँ, मैं देखता हूँ कुछ और इसने पोस्ट किया हुआ है, इसने 16 दिसंबर को ये किया हुआ है, इस पर 44 लाइक्स हैं, 3 कमेंट्स हैं। फिर इसमें आगे चलता हूँ, 14 दिसंबर को इसने पेज बनाया है, इसने ये पेज बनाया, अच्छा नहीं अपडेट किया है कवर, अच्छा उससे पहले इसने एक और भी लगाया है, उस पर 565 लाइक्स आए हैं, 29 कमेंट्स हैं, 85 शेयर हैं। उससे पहले एक और प्रोडक्ट लगा हुआ है 14 दिसंबर को, 2 कमेंट्स हैं, 31 लाइक्स हैं, दैट्स इट, इस पेज का एंड हो गया। तो बाकी किसी भी पोस्ट के ऊपर इतना ज़्यादा वो वायरल इफेक्ट आ रहा है, इतने ज़्यादा लाइक्स हों, कमेंट्स हों, शेयर हों, किसी भी पोस्ट पे नजर आ रहा है आपको, मतलब वो एक जो पोस्ट है ना वो सबसे बिल्कुल अलग से है, बिल्कुल अलग से, इतने ज्यादा उसके ऊपर वो डेटा आ गया। तो ये तो बीबीएस ही बात है ना, जितने इसके लाइक्स हैं ये नेचुरल तो हो नहीं सकता, ऑर्गेनिकली तो आ नहीं सकता, उसकी इतनी ऑडियंस ही नहीं है, लोग आए तो ये एक चीज ना, ये सबसे डिफरेंट लग रही है यार, इसके ऊपर इतने ज्यादा लोग आ गए। चलो मैं मान लेता हूँ व्यूज में फेक आ गए, उसने प्रोडक्टिवली साइड प्रोडक्ट पे फेक व्यूज ला के करना क्या, ये बताओ। अब ये भी तो सोचने की बात है ना कि प्रोडक्ट है, चीज सेल कर रहा है वो, ये वीडियो भी उसकी अपनी ही नहीं है, उस प्रोडक्ट वाले की है, तो उस पे फेक व्यूज ला के ये करेगा क्या, एंगेजमेंट से उसको क्या मिलेगा भाई, उसका मेन टारगेट है चीज को सेल करना, उसमें जितनी पोस्ट नीचे लगाई हुई है सारी सेल की लगाई हुई है, वो सेल जनरेट करना चाहता है, तो फेक व्यूज ला के सेल नहीं मिलेगी। मैं ऐसे 50% ऑफ करके सर्च कर रहा हूँ, जो आम यूजर है वो ऐसे 50% ऑफ करके सर्च नहीं कर रहा होता, समझ आ रही है। तो यहाँ पे फेसबुक एड चला हुआ है, और मैं कंफर्म कैसे करूँगा ये देखना, अभी फेसबुक एड चला है, कैसे पता लगेगा मुझे, मैं यहाँ पे न्यू टैब के अंदर एक तो गूगल पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे ओपन करूंगा फेसबुक लाइब्रेरी, वो से समझ लो छोटी सी छोटी चीजें हैं, बट ये बड़ी ट्रिकी और बड़ी हेल्पफुल चीजें हैं, जिससे आप दूसरों की इंटेलिजेंस को कॉपी कर सकते हो। खुद दिल में आ रहा है प्रोडक्ट को सेल करो, वो तो एक बात है ना, एक डाटा शो कर रहा है कि चीज सेल हो रही है, तो क्यों ना हम वही करें। अच्छा जी, फेसबुक एड लाइब्रेरी अभी ओपन करेंगे, फेसबुक एड लाइब्रेरी गूगल में लिख लो, ये facebook.com/ads/library है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया कि रिसर्च किया, वीडियो निकाल ली, एक जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन थी 7-8 दिन में, उसको ओपन किया, उसका पेज देखा, पेज पे है ही नहीं कुछ, पेज पे तो लोग ही 49 है, फिर भी इतना ज़्यादा वो पोस्ट वायरल हो गई। फिर मैंने उसकी दूसरी पोस्ट का एनालिसिस किया, जो बाकी पोस्ट वहाँ की लगी हुई है, उन पर भी इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं है, एक भी ज़्यादा है। तो अब मेरा दूसरा था ये ऐड चलाओ, आई एम प्रीटी श्योर ठीक है, असल उससे पता कर लूँ। तो मैं ज़रा सिंपलेस्ट मैथड बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फेसबुक एड लाइब्रेरी में आप आओ, ये है, गूगल पर जाके लिखो फेसबुक एड लाइब्रेरी, पहला लिंक ये ओपन करो, ये लिंक आपके पास आ गया, यहाँ पे एड सर्च में आके चूज एन एड कैटेगरी, यहाँ पे क्लिक करें। अच्छा पहले हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान की जगह मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑल, एड कैटेगरी जो है वो मैं ऑल एड्स, यहाँ पे जो सर्च बार बनी है यहाँ पे मैं उस पेज का नाम कॉपी पेस्ट करूँगा, रेड रोज शॉप, तो मैं रेड रोज शॉप जो है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये नीचे मेरे पास डिफरेंट रेड रोज शॉप्स आ रही हैं, इसका लोगो क्या है, ये वाली ये सेल लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे 11 मोर एडवर्टाइजर लिखा हुआ आ रहा है, उनको भी देख लेता हूँ। रेड रोज शॉप ये शॉप है जी, 49 लाइक्स वाली, ये रेड रोज शॉप है, इसको मैं करता हूँ क्लिक,
ये देखें ये आगे रेड रोज शॉप, और नो एड्स, इसने एड नहीं चलाया हुआ बड़ा यार, वैसे होना नहीं चाहिए, आई एम श्योर इसको एड चलाओगे। ये कंटेंट हो गया था, एक मिनट के लिए ये रेड रोज शॉप, और हाँ जी अब स्टॉप हो चुका होगा भाई, अब ये ऐड नहीं चला रहे, लेकिन आई एम श्योर कि ये ऐड है। क्यों है? क्योंकि इसका पैटर्न बता रहा है, और इस बंदे को ये जो सेल ऐड होते हैं ना, अगर कोई ब्लॉग हो, कोई इंफॉर्मेटिव कोई वीडियो हो, किस तरह की चीज़ हो ना, उसके ऊपर व्यूज ला के, या फिर इस ब्रांड की वीडियो, ब्रांड का इट्स सेल्फ अपना पेज होता। मीन अगर देखो ना, ये मैं गेट इट नाउ पे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, फेक नहीं होंगे लिंक हमेशा, फेक इसमें फ़ायदा नहीं ना फेक लाने का। ये देखो उसकी प्रॉपर वेबसाइट बनी हुई है, मैंने लिंक क्लिक किया, ये इसका, ये इसकी वेबसाइट बनी हुई है जिसके ऊपर ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, और ये यूनिटायर ये जो भी कह लें, ये इनकी प्रोडक्ट है और इसने लगाई हुई है। अगर ये यूनिटायर जो है ना, इसका पेज होता ना अंटियोर का, तो अगर इसका पेज होता तो फिर मैं मान शायद सोच लेता कि यार शायद वो लोगों को दिखाने के लिए, और उनके पास लाइक्स भी बढ़े हैं, सब कुछ बढ़े हैं, और वो इस तरह करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये पेज है कोई और सेपरेट, और ये इस पर्सन ने इसका एड लिस्ट करके एड चलाई, और ये आई एम 200% श्योर ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट उसने ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ये प्रोडक्ट उसके पास अपनी नहीं है, इसने सारा डाटा वहां से उठा के लगाया हुआ। ठीक है, तो अब देखो एड लग रही से पता लगा कि इस टाइम इसके पास एक्टिव एड नहीं है, ये एड स्टॉप कर चुके हैं। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 14 को तो लगाया है उसने, इतने व्यूज इतना कुछ आ गया तो शायद अभी तक चल रहा हो, लेकिन उसने 7-8 दिन 9 दिन में अभी नहीं चल रहा, उसे स्टॉप कर चुका था। अब इस टाइम इस फेसबुक पेज के ऊपर कोई ऐड नहीं चल रहा, मैं वो भी बताता हूँ कि कैसे चलेगा, पता चलेगा ड्रॉप शिपर है। पहले वाली बात सुनवाई लो, तो हमने जो किया क्या करना है मैनुअल, कि हम लोगों ने रिसर्च किया, एक वीडियो देखी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइक शेयर सब कुछ था, उसके पेज को ओपन किया, उसके पेज पे मैंने पैटर्न डिटेक्ट किया कि क्या बाकी, एक तो लाइक्स देखे, वो तो नहीं जस्टिफाई करते कि बंदा इतने ज़्यादा व्यूज वगैरह ले सकते हैं लाइक्स की बेस पे। फिर मैंने उसकी बाकी पोस्ट देखी तो उनके अंदर भी मुझे नज़र आया कि यार कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो कोई इंगेजमेंट इतनी खास नहीं आई, कुछ भी नहीं आया हुआ, बहुत कम इंगेजमेंट एज कम्पेयर टू दिस पोस्ट। तो आई एम श्योर कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ उसने किया है। आप फेक की बात करते हैं, फेक यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये पेज ना ही, ये प्रोडक्ट इसकी अपनी जाती है, ये क्यों उस पर व्यूज लाएगा, पैसे लगाएगा उसके ऊपर, या फेक उसके ऊपर फेक भी लाने हैं तो पैसे लगाने पड़ेंगे, तो वो चीज़ नहीं करेगा। तो अब ये फिर ट्रिगर कर रहा है कि इसने कुछ ना कुछ ऐड चलाया है, कुछ ना कुछ नहीं किया है। अब ऐड चलाया है, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ऐड अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा, तो फिर उसके लिए फेसबुक ऐड लाइब्रेरी है, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में आओ, वहाँ पे आके उस पेज का नाम रखो, तो नीचे पेजेस की लिस्ट आ जाएगी, अपना पेज सेलेक्ट करो। अगर अभी रिसेंटली ये ऐड चल रहा होता तो यहाँ पे मुझे बता देता कि भाई इसके ऊपर अभी भी ऐड चल रहा है, अभी भी इसके ऊपर ऐड चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी ऐड नहीं चल रहा, दैट मीन्स ऐड स्टॉप हो चुका है। अगर अभी भी चल रहा होता और 14 दिसंबर से अब तक चल रहा है और अभी भी चलाई जा रहा है, तो मैं इस प्रोडक्ट को फटाफट से एक दफ़ा शॉर्टलिस्ट करके अपनी लिस्ट में ऐड कर लेता, यार ये उसके लिए काम कर रही है, 8-9 दिन से वो अर्निंग कर रहा है इस पर, इसीलिए ऐड चला रहा है ना। अगर अर्निंग नहीं आ रही, सेल नहीं आ रही, तो ऐड कोई क्यों चलाएगा, स्टॉप कर देगा, समझ आ गई। तो अभी फिलहाल एक्टिव ऐड नहीं चल रहा, लेकिन आई एम श्योर कि ऐड था, कैसे, क्योंकि पैटर्न बता रहा है, बाकी पोस्ट के ऊपर उसका इंगेजमेंट है ही नहीं। फिर ये कमेंट्स बता रहा हूँ, 275 क्लिक करो कमेंट्स के ऊपर, व्यू मोर कमेंट्स के ऊपर, मोर रेलिवेंट है, मोर रिसेंट है, यहाँ पे देखो मोस्ट एलिमेंट न्यूएस्ट कमेंट्स को मैं यहाँ पे देखने लगा हूँ, ये एड्स ने कब स्टॉप किया है, मैं थोड़ा सा ये देखना चाह रहा हूँ। तो मोस्ट रिसेंट कमेंट्स जो है ना उसके, ये देखो एक वीक पहले एंड हो चुके हैं, और यहाँ देखो लोग प्राइसेस पूछ रहे हैं, अलाउ माइन और कैसे बाई क्रिसमस,
और ये काफी लोग आपके पास पूछ रहे हैं, इनको कोई किसी को टैग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये जेन्युइन तरीके से लोग आ रहे हैं, तो ये इट्स नॉट फेक, ये ऐड है, जिस ऐड के ऊपर लोग आ रहे थे देख रहे थे। बट ये ऐड जो है वो एक वीक पहले जो है ना इस पर कमेंट आए हैं, उसके बाद इस पोस्ट पर कमेंट नहीं आए। कमेंट की डेट चेक करो क्या आ रही है, ये रिसेंट कमेंट है, मोस्ट रिसेंट कमेंट, और मोस्ट रिसेंट कमेंट है जो आया वेडनेसडे को दिसंबर 15 को 2021 को 12:23 AM पे। शेयर है ना, जब एड चल रहा है लोग आ रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं, कुछ टैग कर रहे हैं, दूसरों को लाइक कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा होता है ना, तो एड है 100%, ये जनरल लोग इसके अंदर इंगेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे लास्ट कमेंट देखो कब आया हुआ है, दिसंबर 15, 2021, ये पोस्ट कब लगी है, ये वीडियो पब्लिश कब हुई है, ऊपर आओ, 14 दिसंबर 3:58 PM, 14 को वीडियो पब्लिश हुई है, 15 को लास्ट कमेंट है, उसके बाद इस पे कमेंट नहीं आया। ये जो भी कुछ आया ये 24 आवर्स, अबाउट 20 to 24 आवर्स के अंदर ये सारी की सारी इंट्रैक्शन इसके पास आई है। ये ऐड का कमाल हो सकता है, इतने कमेंट्स लाना, इतने शेयर्स लाना, इतने व्यूज लाना, ये कोई और चीज नहीं कर सकती। क्यों नहीं आ सकता, बिग बजट के ऊपर क्यों नहीं आता कोई, और वीडियो के ऊपर व्यूज जो है वो बहुत चीप होते हैं। अब पॉइंट समझो, फेक फेक लगे हुए, फेक उसमें बेचारे ने फेक चला के क्या करना था, उसने ट्राई किया नहीं दिखी, एक दिन ऐड चलाया ना, एक दिन का मतलब है ऐड नहीं सेल हुई, उसने पैसे लगाए एक दिन, फुल टाइम पैसे लगाए हैं, अच्छे खासे पैसे लगाए हैं, फ्लॉप हो गई है एड, फ्लॉप हो गई, सेल ही नहीं हुई। लोग ऐसे 2 दिन कम से कम रिस्क लेते हैं, 2 दिन का टाइम, 3 दिन का टाइम देते हैं ऐड को, बट इसने बिग बजट से ट्राई किया हुआ, जिस तरह उसकी इंगेजमेंट बता रही है, और इसने देखा, इसने कहा भाई नहीं ये नहीं सेल होनी, उसने ट्राई किया, उसने स्टॉप कर दिया ऐड, वन डे ऐड चला है, वन डे या वन डे से कुछ ऊपर गया, लोग कुछ आवर्स ऐड चला है, 24 आवर्स, 20 आवर्स, 30 आवर्स, तो इस तरह एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा, क्योंकि इन्हीं इन बिटवीन टाइम चला हुआ ये, और उसके बाद ये ऐड स्टॉप कर दिया गया। तो क्या हुआ कि ये ऐड था, ये ऐड चला है, हमें पता लगा कि इसको एक प्रोडक्ट मिला, बहुत सारे व्यूज थे, उसको चेक किया, फिलहाल ऐड नहीं चल रहा था, ऐड लाइब्रेरी से चेक किया, फिर देखा उसके कमेंट्स को मैंने कि कब से कब तक ऐड चला है, क्योंकि जो रिसेंट कमेंट्स है ना, रिसेंट कमेंट्स देख लो और जो स्टार्टिंग डेट देख लो, आपको पता लग जाएगा कितना अच्छा तक यहाँ पर रेगुलर कमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे पता लगेगा अच्छा हाँ ये रेगुलर जो कमेंट्स आ रहे थे मीन्स के ऐड चली जा रहा था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, अगर 2-3 दिन से ज़्यादा ऐड आपको नज़र आ रहा है, 2-3 दिन से 4 दिन से, और रेगुलर कमेंट्स आ रहे हैं, रेगुलर आपको यहाँ पे पैटर्न नज़र आ रहा है, दैट मीन्स के वो प्रोडक्ट उस बंदे के लिए काम कर रही है या कर चुकी है, वो लास्ट रिसेंट कमेंट्स से पता लगेगा। अगर ये ऐड अभी भी चल रहा होता, यहाँ पे आज के भी कमेंट्स की लाइनें लगी होती, प्रोडक्ट अच्छी है आपको लग रहा है, बट उसने जो ट्राई किया फ्लॉप हो गई है, समझ आई? तो इस पर्सन के लिए ये ऐड फ्लॉप हुआ, वरना ये ऐड कभी भी एक दिन में बंद ना होता। तो ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है, तो नो, दिस इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट। हम भी फेसबुक ऐड ऑन करेंगे, अगर ये अच्छी होती तो ये अभी भी शायद ऐड चल रहा होता। आसिफ को इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने, हमने लोगों की चीजों को कॉपी करना है कि वो क्या कर रहे हैं, फिर हमें वहां जाना है। मुझे पता है यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि ये ऐड चला कहाँ पे रहा था, पर मुझे जरूरत नहीं है अभी देखने की क्योंकि फ्लॉप हो चुकी भी है, लेकिन अगर देखना है तो वो भी पता चल जाएगा कि ऐड किस जगह पे रन हो रही थी। वो कैसे, ये देखो कमेंट्स को देखो, ये कमेंट्स आए हैं लोगों के, हेलन बूथ ये इसका कमेंट है, ये टिमी का कमेंट है, ये डिफरेंट लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। ये देखो, ये एंडरसन इंडियाना से ये बिलोंग करता है, यूएस के अंदर है, अमेरिका हो गया, ये बात तो क्लियर होगी मुझे अभी तक। प्रोडक्ट अच्छी नहीं है ना मुबीन,
यहाँ पे अच्छी चली होती तो हम ट्राई करते हैं। हम चाह रहे हैं कि खुद से ट्राई ना करें, अपने पैसे जाया ना करें, देखें लोग क्या कर रहे हैं और उनकी जो चीज चल रही है वो उठा के हम भी चला दें। पैसे बचेंगे ना, लोगों की इंटेलिजेंस को कॉपी करेंगे, राइट डायरेक्शन के अंदर पैसे लगाएंगे, तो इस वजह से रिसर्च कर रहे हैं, वरना तो कोई भी दिल करे तो उठा के कर ले। अच्छा अब देखो जी कहाँ पे ऐड चला है, ये जो है ना क्रिस्टल जो है इसने टैग किया किसी को, ये एंडरसन इंडियाना का है जो यूएसए के अंदर है, जिसको टैग किया है वो भी उसने, उसकी लोकेशन ही आ रही। चलो आगे देख लेते हैं, रिटायर्ड। अच्छा तो फाइल ओपन करके भी देख लेंगे, वरना यहाँ पे ये भी यूएसए है, यूएसए तो कंफर्म है, मैं स्टेट देखना चाह रहा हूँ और लोगों को देखते हैं, तो डिफरेंट लोगों को देखो, ये ओरेगन का है, डिफरेंट स्टेट का हो गया, ये पर्सन जो है ये इसका नहीं डिटेल आ रही, बगैर उनको ओपन किए देखना चाह रहा हूँ, बिका बेंसन, सूजी विलियम जिसको उसने अटैक किया है, ये है जी स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्फलॉक। इसके बाद इसी तरह से आप और कमेंट देखें, आपने डिफरेंट लोगों का जो है ना वो देखना है कहाँ कहाँ से हैं। माइक, अच्छा ये पूरे यूएसए के अंदर चला हुआ है, मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ ना अभी डिफरेंट जगहों पे जो मेरे पास लोकेशंस आ रही है ना डिफरेंट है। हाँ ऑलिव ब्रांच ये है सारा यूएसए की स्टेट्स, लेकिन स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं, किसी एक स्पेसिफिक स्टेट का नहीं आ रहा, डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट स्टेट्स आ रही हैं। दैट मीन्स ये टेक्सास का आ रहा है, देखो चार स्टेट्स हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे यूएसए के अंदर चला, तो किसी स्पेसिफिक एक स्टेट के अंदर नहीं चला। नॉर्थलॉक स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक हो गया। तो इसने बिग बजट के साथ ऐड ट्राई किया और ऐड एक दिन बाद बंद कर दिया। अगर ऐड दो तीन दिन के अंदर क्लोज हो जाए तो दैट मीन्स नहीं चला, क्योंकि यूजुअली जब हम लोग फेसबुक ऐड चलाते हैं हम एटलीस्ट उसको दो से तीन दिन का टाइम देते हैं, उसको पैसे लगाते हैं, दो तीन दिन का टाइम देंगे, अगर वो चलेगा तो उसके ऊपर और पैसे लगाएंगे, वरना उसको स्टॉप कर देंगे और कोई और नई प्रोडक्ट ट्राई कर लेंगे। इस पर्सन ने क्या किया, एक बड़े बजट के साथ इसको ट्राई किया, इसलिए इसने दो तीन दिन नहीं ट्राई किया, इसने 24 hours 30 hours ट्राई किया और वहाँ पर पैसे लगाए, उससे नहीं रिस्पॉन्स आया, उसे पता लग गया कि भाई एक्सपीरियंस भी है, वो और भी ऐड चला रहा होगा, तो उसे आइडिया हो गया कि चीज़ नहीं चलेगी, उसने ऐड को स्टॉप कर दिया। तो ये ऐड एक फेल्ड ऐड था, उसके लिए फेल्ड प्रोडक्ट है, उसके लिए नहीं चले। और कहाँ चलाई, यूएसए के अंदर उसने चलाई है, पूरे यूएसए के अंदर, किसी एक स्पेसिफिक स्टेट में नहीं चलाई, पूरे यूएसए के अंदर है, क्योंकि लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से आ रहे हैं। तो ये हम नहीं लेंगे, हम सक्सेसफुल प्रोडक्ट को चूज करेंगे और फिर एक एक्सेल शीट में उसको नोट करते जाएंगे, और ऐड लाइब्रेरी से पता चला करेगा कि अभी अगर इस पे नहीं ऐड चल रहा होता, इसी पेज पे किसी और प्रोडक्ट पे ऐड चल रहा होता तो वो हमें यहाँ नजर आ जाना था, तो हम चलो उसको छोड़ के फिर चले जाते, तो फुटप्रिंट मिलते हैं हमें। और नहीं 24 घंटे में स्टॉक फिनिश हो गया। अब ये देखो, ये मैं आपको ये सर में मैं होल्ड करना चाह रहा हूँ कि आपको बताऊँ कि ये कैसे जो है ना ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, ये देखना जरा, ओवरलोड हो जाएगा यार। असल में मैं चाह रहा था कि मैं ना उसको कल लेके आऊँ, बल्कि रहने दो, बल्कि नहीं देते इसको, ऐसे करते हैं कि इस लिंक को अपने पास रख लेता हूँ मैं, सेम लिंक को, और हम लोग इसको मैं आपको कल बताऊँगा कि कैसे इसका पता लगेगा कि ड्रॉप शिपिंग है, श्योर ये ड्रॉप शिपिंग, मैं इस लिंक को कॉपी करके अपने पास रख लेता हूँ, वो कल कर देंगे। तो आपने इसी तरह से, मैंने एक वीडियो चेक की और मैंने एक कीवर्ड अभी लगाया, सिर्फ 50% ऑफ और 25% ऑफ, बाय नाउ गेट इट नाउ, अब इस तरह से बाय नाउ गेट इट नाउ इस तरह डिफरेंट वर्ड्स लगा के सर्च कर सकते हैं। टूल एंड पे बताऊंगा शरोज, वो तो सिंपल सा काम हो जाएगा ना, ये चीजें आना जरूरी। इस तरह देखो ये 829K व्यूज, सारी दिसंबर की एड, सारी दिसंबर की एड्स है, तो इनमें से देखें और देखें दो टाइम का मतलब, और देखें ऐड, और उसमें फिर हमने देखना है ऐड पैटर्न चेक करना है, ऐड लाइब्रेरी में चेक करना है कि उसके ऊपर एड्स, फिर हमने उसके बाद उसके कमेंट्स के थ्रू टारगेटिंग को देखना है कहाँ पे ये सेल कर रहा था,
और अपनी एक एक्सेल शीट बनानी है जिसमें हम इसको मेंटेन करेंगे, तो उसका एक फॉर्मेट भी बना के मैं आपको बताऊंगा कैसे वो लिखना है आपको। तो ये सिर्फ अभी वीडियोस में आए हैं, मैं फोटो मैं इमेजेस में इमेजेस से भी हंटिंग कर सकता हूँ, मैंने पेजेस में भी बनाना है, उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पर भी जाऊँगा, तो इस तरह दो तीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है ना वो करके दिखाऊंगा आपको किस तरह से हो रहा है। अभी तक जो मैंने इस प्रोडक्ट के लिए पैटर्न डिटेक्ट करना बताया है ये क्लियर है मुझे, बस इस चीज़ का जवाब दे दो। एक एक प्रोडक्ट खुद ट्राई कर लोगे, इतनी सी असाइनमेंट होगी इसको, तो सिंगल सिंगल प्रोडक्ट खुद ट्राई करके आओ, कल मैं इसको और आगे फर्दर लेके जाऊंगा, तो कल के बाद आपको वीकेंड के लिए प्रॉपर एक असाइनमेंट दूंगा कि किस तरह से इसको आपने हंटिंग करनी है प्रॉपर। और ये हंट करने के बाद अगर आपको ये आ गया, रिपोर्ट बनाना आ गई, सब कुछ करना आ गया, तो उसके बाद ये आपकी सर्विस भी है, आप इसको सेल कर सकते हो। मोस्ट रिसेंट के ऊपर जाना चाह रहा हूँ थोड़ा, मैं जो ओल्ड बिक चुका है वो बिक चुका है। दूसरा वो जो सिंगल प्रोडक्ट नहीं देते उस तरह के लोगों के पास हमने जाना ही नहीं है, हमने अगर वेंडर पे जाते हैं तो हमने तो सिंगल वही उठानी है जो सेल होगी, और जो फिर असल में आपने वो मॉडल अडॉप्ट करना है जो किसी किस मतलब जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट में जो मॉडल ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा अफेक्टिव आपके लिए काम कर रहा है। प्रोडक्ट नहीं उठानी, पीसेज नहीं उठाने, उनके सेल होते ही नहीं होते। हम वेंडर का मतलब ही ये कि हम तो वही लेंगे जो बिकेगा। क्या रिपीट नहीं करना, मरूफ हमने एड्स की कई पैटर्न देखना है क्योंकि हमारा भी क्विक सेल्स के लिए एड ही मेन टारगेट होगा, तो एड पे मेनली हम एड के थ्रू जो है ना डिटेक्ट करके चीज़ें निकाल के लाएंगे, उसके बगैर वाली तो यहाँ पे बिग ब्रांड्स की रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे, बाकी उनको तो इक्का दुक्का ही होंगे। पीएल समय वो बता रहा हूँ कि बाकी लोग सोचना शुरू कर देंगे क्या चीज़ है ये, मुझे क्वेश्चन वैसे थ्रो करना है आपने मैसेज में। सिर्फ एक एक प्रोडक्ट जैसे मैंने ये देखी है ना, थोड़ी सी देखने की ट्राई करो और समझो कि प्रोसेस समझ आया या नहीं आया, अगर नहीं भी आया कोई बात नहीं, कल मैं इसको फर्दर दो तीन प्रोडक्ट्स और निकालूंगा और बीच में से एक दो अच्छी निकाल के निकालने की कोशिश करेंगे जो अच्छी हैं जो सेल होंगी। कस्टम हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, हमारा काम होता है चीज़ को पहुँचाना उनकी कंट्री तक, कस्टम क्लियर वो खुद करवाएंगे जी, टिकटॉक भी बता दूंगा। अच्छा जी, अब रिकॉर्डिंग की बात आ गई तो रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलनी इस वीक का, मैं रिक्वेस्ट किया मैंने कि इस वीक के जो लेक्चर्स होंगे मंडे से लेके कल तक वो किसी तरह से वीकेंड के ऊपर आपके लिए अपलोड करवा दूँ, क्योंकि कुछ लोगों के पहले एक दो लेक्चर मिस हुए हैं, उन्होंने लेट ज्वाइन किया है, तो उन लोगों के लिए जो इस वीक के लेक्चर्स होंगे वो मैं किसी तरह से वीकेंड पे अपलोड करवा के तीन चार दिन उसको रखवा दूंगा ताकि वो देख के आप साथ मिल जाओ, लेकिन अपकमिंग नहीं मिलेंगे। उसमें कोई बहुत ज़रूरी हुआ, कोई इशू हुआ तो वो आप रिक्वेस्ट करके एक आधा लेक्चर ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं मिलेंगे। मैं ग्रुप में हूँ जी, वहाँ पे मैसेंजर पे मुझे मैसेज कर दें, ठीक है? तो इस वीक के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो जिसके इस वीक में कोई इशू आया वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, कुछ चीज़ मिस हुई है वो हो जाएगी। वीकेंड के ऊपर जी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। ये हो गया, हाँ जी क्लास एंड, नमाज पढ़नी, नमाज पढ़ने जाके बाकी इंशाल्लाह इसी प्रोडक्ट हंटिंग को ही कल कंटिन्यू करेंगे। कल लेक्चर हमारा जल्दी है 11:30 बजे, 11:15 पे कल लेक्चर है, 11:15 से 12:30, तो कल टाइम पे आ जाना, ये ना बाद में अब कहीं जी याद ही नहीं जाके टाइम चेंज है आज। इस पूरे वीक की रिकॉर्डिंग्स आपको वीकेंड में मिल जाएंगी, जो आगे दो चार दिन जाएंगी फिर उसको देख लेना जो भी रह गया। अगर कोई अच्छे नोट्स बना रहा है ना तो साथ साथ ग्रुप में डेली पोस्ट कर दिया करो, चलो दूसरे लोगों को थोड़ा फायदा हो जाए। असाइनमेंट कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ पे हंट किया ना, आपने भी इसी तरह से एक प्रोडक्ट जो है ना हंट करके उसको ट्राई कर रहे हैं, उसको करने जी ग्रुप में पोस्ट हो जाएंगी, पब्लिश हो जाएंगी वीडियो लेक्चर वाइज एक वीक की, इस वीक की जी, जो जाना चाहता चला जाए, बाकी यहीं से आगे चलेंगे, बस एक एक ना थोड़ा सा वो ट्राई करके आना जी, ठीक है?
अच्छा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि बहुत हैवी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ पे। आप लोग ऐसे करें कि मैं एक, जिस तरह कल मैंने पोस्ट की थी ना, मैं एक पोस्ट लगाने लगा हूँ, उसके नीचे सारे अपने क्वेश्चन थ्रो कर दूँ, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ ताकि मैक्सिमम कवर हो जाए। क्या ख्याल है कि वहाँ पे क्वेश्चन मैं पोस्ट लगाता हूँ, उस पोस्ट के नीचे के प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन हियर अबाउट टू डेज लेक्चर या जो जो भी आपके माइंड में है, तो उसी के अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूँ ताकि मल्टीपल लोगों का एड्रेस भी हो जाएगा और वो रिप्लाई पड़ा भी होगा वहाँ पे, बाद में भी किसी ने देखना होगा तो उसको नजर आ जाएगा। सब देखेंगे तो मैं सोर्सिंग वगैरह हर चीज़ बताऊंगा, हंटिंग के बाद सोर्सिंग है ठीक है, और बाकी इस वीक के लेक्चर मिल जाएंगे आपको, आगे नहीं मिलेंगे, ये बात माइंड में रखो। चलें मैं भी पोस्ट लगा रहा हूँ, आप लोगों ने वहाँ पे कमेंट जरा करो, मैं रिप्लाई करता हूँ ठीक है जी। चलें तो ख्याल रखिएगा, कल 11:15 पे आ जाना, 11:15 से 12:30, 11:15 पे कल आ जाना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।